स्वागत है आप सबका न्यूजीलैंड डे टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये दूसरा ओडीडी मैच है जो खेला जाएगा एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 8:50, तो बहुत ही बढ़िया आपको गेम देखने को मिलेगा। पहले ओडीडी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आसानी से 5 विकेट से जीत दर्ज करी थी। लेट्स सी इस क्लैश के अंदर क्या होता है। अब देखें, इस वीडियो के अंदर आपको टोटल 54 स्लाइड देखने को मिलती है जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। आपकी डिमांड के ऊपर यहाँ पर मैं ओडीडी का वीडियो ला रहा हूँ जो छुपे मैचेस होते हैं, हिडन गेम्स होते हैं और बहुत अच्छे मैचेस होते हैं फैंटेसी के लिए। तो आपको करना है क्या, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बस इतना सा आपको काम करना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा रहेगा, सुबह 8:20 के आसपास टॉस होता है यहाँ पर और प्लेइंग 11 आती है विद द बैटिंग ऑर्डर, पिचेस की फोटोज आती है, ये सब मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करके दे देता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं। एलन बॉर्डर फील्ड का मैदान है, ब्रिस्बेन के अंदर मैच होगा, क्वींसलैंड स्टेट के अंदर। तो अब देखो इस वन के ऊपर जो लास्ट मैच हुआ था अपन ने कवर किया था, मार्च वनडे कप का मैच था, 15 नवंबर को यहाँ पे मैच खेला गया था 2022 के अंदर, क्वींसलैंड वर्सेस विक्टोरिया का मैच था मार्च कप का। क्या हुआ था उसके अंदर, कुछ नहीं हुआ, ये था कि पहले आती यहाँ पे विक्टोरिया की टीम बैटिंग करने, 171 पे ऑल आउट हो जाती है, क्वींसलैंड की टीम चेस करने आती है, इन्होंने यहाँ पे 7 विकेट से जीत दर्ज करी 36 ओवर के अंदर ही, मात्र 14 ओवर बच गए थे गेम के अंदर। उससे पहले 164 बना, टारगेट चेस हो गया 31.2 ओवर्स के अंदर, 6 विकेट से टीम जीत गई, 220 टीम ऑल आउट हो गई। जो टीम चेस करने आती है वो 8 विकेट से जीतती है और 221 का टारगेट चेस कर जाती है 33 ओवर के अंदर बड़े आसानी से। 278 बना, 8 विकेट गवा के बड़ा स्कोर बन गया 250 के ऊपर, टीम चेस नहीं कर पाई। 321 बना, ये तो और विशाल था, टीम 161 पे सिमट गई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने को मिला है, आमतौर पर यहाँ पे टीम्स चेस करते हुए ज्यादातर जीतती है, ठीक है, चीज आपको पहली बात दिमाग में बैठा लेनी है। और दूसरी चीज ये है कि अगर टीम 220 के नीचे स्कोर बना देती है तो टारगेट चेस हो जाता है, और जो टीम यहाँ पे 230 या 240 के ऊपर बना देती है तो टारगेट चेस नहीं होते हैं और टीम ऑल आउट हो जाती है। मतलब इस वनडे के ऊपर विकेट्स बहुत गिरते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बैटिंग फर्स्ट में तो कम से कम यहाँ पर आपको 8-9 विकेट तो गिरते हुए दिखेंगे। इस वनडे पे दोनों टीम्स पहली बार खेलने वाली है, ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए इस टूर को होस्ट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस हो रहे हैं। इस वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट 2 मैचेस जीता गया, चेस करते हुए 5 मैच जीते गए पिछले 7 गेम्स के अंदर। आप देखिए जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था क्वींसलैंड वर्सेस विक्टोरिया का 15 नवंबर को, उस गेम में 10 विकेट पेसर का था, 1 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स का था। ओवरऑल विकेट कॉलम लास्ट 7 गेम्स के अंदर पेसर्स ने 72 विकेट निकाला है, पहली पारी के अंदर 46, दूसरी पारी के अंदर 26। क्लियरली देखा जा सकता है पहली पारी के अंदर पेसर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, करीबन 20 विकेट ज़्यादा है पेसर्स के पास पहली पारी में। राइट आर्म पेसर 71, लेफ्ट आर्म पेसर का मात्र 1 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें 24 विकेट्स है पहली पारी में, 12, दूसरी पारी के अंदर 12, ऑफ स्पिनर्स का 11, लेग स्पिनर्स का 5, चाइनामैन का 1, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 7 विकेट है। अब मैं आपको पिच की फोटो दिखाता हूँ, जब लास्ट ईयर यहाँ पे मैचेस हुए थे नवंबर महीने के अंदर मार्च कप के, ये तब की पिच की फोटो है, मैंने उसकी फोटो निकाल के रखी थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऐप से। ये आप देखें ऐसी पिच दिखती है, स्टेडियम का व्यू और ये देख रहे आपको, ये एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन का स्टेडियम, ये वाला बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, पास के अंदर आपको बहुत सारे ग्राउंड देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अमेरिकन फुटबॉल, ये उसी के ग्राउंड है, सारे आपको दिख रहे हैं ना, AFL कुछ बोलते हैं इस लीग्स को जो यहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही स्पोर्ट्स है क्रिकेट से भी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं स्टेडियम का व्यू, पास के अंदर रोड है, सोलार पैनल लगा रखे हैं भाई बंधुओं ने, तो बहुत अच्छा व्यू स्टेडियम का, पास के अंदर नदी है यहाँ पे, बहुत प्यारा व्यू है, वेदर फोकस एकदम क्लियर है, बारिश के चांसेस ना के बराबर है। दोनों टीम्स ने 2023 से 6 के बीच में 4 मैच खेले, दोनों ने 2-2 मैचेस जीते हैं। 11 की बात करें, बेन मैकडरमॉट लास्ट गेम में ओपन किए थे ग्लेब जोल के साथ, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, मैट रेनशो वन डाउन आते हैं, लोकल क्रिकेटर क्वींसलैंड के जो फिलिपी आएंगे कीपिंग कर रहे हैं, एस्टन टर्नर, ओलिवर डेविस, विल सदरलैंड कैप्टन है, फिर आपको टॉम रॉजर्स दिखता है, गुरिंदर संधू पिछले गेम में 5 निकाला था, लोकल प्लेयर है यहाँ का क्वींसलैंड का, और लास्ट गेम में आपने देखा था क्या किया था बंदे ने, स्टैक्टी कुनेमन, ये तीनों भी यहाँ के लोकल क्रिकेटर्स है। कुनेमन इस टीम का एकमात्र लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, जैसे मैट रेनशो भी ऑफ स्पिन डालता है, लास्ट गेम में इसने अच्छे खासे ओवर डाले थे, 9 ओवर का स्पेल था इसका। मैट शॉट को लास्ट गेम में बेंच पर बिठाया गया था और लियम हेटचर को। न्यूजीलैंड की बात करें, सीन सोलैया ओपन करेगा यहाँ पे, लेफ्टी बैटर राइटर मीडियम फास्ट गेंदबाज है, निक कैली के साथ, निक कैली लेफ्टी हैं, दोनों लेफ्टी ओपन करते हैं। फिर आपको दिखता है यहाँ पे डीन फेक्सक्रॉफ्ट, टॉम ब्रूस, लियो कार्टर, 3 लेफ्टी स्टॉप 5 के अंदर,
जॉस क्लार्कसन, कैम फ्लेचर, फिर आपके यहाँ पर स्कॉट टूग्लैन, आदित्य अशोक, माइकल रे, ब्रेट रिंडेल खेलते हुए दिखेंगे। लास्ट गेम में जैकब डफी को जगह नहीं मिली थी यहाँ पे टिम शेफर्ड को और हेनरी कॉपर को, तीनों खेलने चाहिए थे मेरे हिसाब से। क्लेयर के स्टैट्स देखते हैं, क्लैब जेबल हेड टू हेड के अंदर 29 रन किया लास्ट गेम के अंदर, और इस वैनी के ऊपर दो मैचेस में 169 रन है हाईएस्ट, यहाँ पे इसने एक बार 126 रन की पारी खेली थी और बहुत अच्छा क्रिकेटर है ये। बेन मैकडरमॉट एक मैच में 10 रन से एटीट्यूड में लास्ट गेम में किया था उसने। ओडीडी के अंदर आप देखना चाहो वनडे डोमेस्टिक के अंदर 53 मैचेस खेला है, 1600 रन से 45 की एवरेज है। ओडीडी मतलब 50 ओवर के गेम्स में इसने क्या किया ओडीआई को और डोमेस्टिक को मिला के। वेन्यू के ऊपर दो मैच में 141 रन से 250 करी यहाँ पर भाई ने, और बहुत अच्छा क्रिकेटर है, फॉर्म 10-37-69 नाबाद इस तरह से रहा है। मैट रेंशो लोकल लाड यहाँ का, 11 मैचेस में 54 की एवरेज है, 433 रन्स, 5 विकेट है। लास्ट गेम में उसने बॉलिंग करी थी, बैटिंग भी करी थी, टॉप ऑर्डर में आके सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैट रेंशो कैप्टनसी के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेड टू हेड में लास्ट गेम में 9 रन किया, ओडीडी के अंदर 55 मैच में 8 विकेट निकाल चुके हैं, 1900 रन है। फिलिपी एक रन किया, वेन्यू पे नहीं खेला, और ओडीडी के अंदर 35 मैच में 1300 रन है, 34 कैचेस पकड़े कीपिंग करते हुए। एस्टन टर्नर लास्ट गेम में 56 किया था, स्वेनी के ऊपर नहीं खेला, ओडीडी के अंदर एक मैच में 3 रन्स। ओडीडी के स्टैट्स नहीं यार इसके, ओडीडी में ऐसे स्टैट्स थोड़ी हैं इसके, इसका एस्टन टर्नर का 56 रन है एटीट्यूड में, इतना याद रखना है, फॉर्म आप नीचे देख सकते हो। ओलिवर डेविस 20 रन किया लास्ट गेम में, वेन्यू पे नहीं खेला, 20-41-36 बहुत अच्छे टच के अंदर ये रहता है, अटैकिंग मैनर है, अटैकिंग मैनर में खेलता है। विल सदरलैंड ने लास्ट गेम में 34 किया था, कैप्टन थे इस टीम के, और हेड टू हेड के अंदर दो मैच में एक विकेट 11 रन निकाल रखा है इसने, और ये बॉलिंग कर सकता है इस गेम में। लास्ट गेम में इसके पता नहीं क्यों बॉलिंग नहीं करी, मेरे समझ के बाहर था। ओडीडी के अंदर 25 में 39 विकेट्स है, दिखा था कितना इंपॉर्टेंट क्रिकेटर है। टॉम रॉजर्स का एक मैच में एक विकेट है, क्लासिकल गेंदबाज है। ओडीडी के अंदर 20 मैच में 35 विकेट है, मस्ट पिक। वेन्यू के ऊपर दो मैच में 8 विकेट निकाल चुका है यहाँ पे। गुरिंदर संधू एक मैच में 5 विकेट्स है, हेड टू हेड के अंदर लास्ट मैच में निकाला था। ओडीडी के अंदर आप स्टैट्स देख के यार समझ सकते थे, 65 मैच में 124 विकेट, ये छोटी मोटी बात नहीं, इंडिया के लिए खेल चुका है ये, जी इंडिया के डोमेस्टिक टीम्स के अंदर। वेन्यू के ऊपर 5 मैच के अंदर 10 विकेट 9 रन है, बहुत ही सीरियस क्रिकेटर है गुरिंदर संधू। मार्क शेट्टी का एक मैच में एक विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 11 विकेटें हैं, अच्छा क्रिकेटर है ये भी। कोनेमन का भी आप देख सकते हैं नंबर्स, इस वेन्यू पे 4 मैच में 8 विकेट है, लास्ट गेम में भी इसने 2 विकेट निकाले थे। मैच शॉट 3 मैचेस में 42 रन है मैदान पे। ओडीडी के अंदर 55 मैच में 1400 रन है। लियाम मैचर का यहाँ पे 31 रन 0 विकेट है, ओडीडी के अंदर 17 में 27 विकेट्स हैं। स्टार्टिंग और लास्ट गेम में मार्क स्ट्रैटी और टॉम रॉजर्स ने डाला था, डेथर के अंदर स्ट्रैटी, गुरिंदर संधू, टॉम रॉजर्स। सीन सूलिया की बात करें, लास्ट गेम में 8 रन किया, ओडीडी के अंदर 59 मैच के अंदर 1700 रन है, 41 विकेट्स है, अच्छा क्रिकेटर, आपको कहीं ना कहीं से वैल्यू ला के देगा टीम के अंदर, विद द बैट है तो विद द बॉल। निक कैली 52 रन है लास्ट गेम में किया था, ये अकेला चला था इसकी टीम से और कोई इनका साथ नहीं दिया, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। ओडीडी के अंदर 67 मैच में 2000 रन है, ये पिछले एक महीने से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, इसने मैक्स टी20 लीग भी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो होती है ब्रिस्बेन के अंदर ही, क्वींसलैंड के अंदर। डेन फेक्सक्रॉफ्ट 14 रन है, बहुत अच्छा क्रिकेटर, लास्ट गेम में आउट हो गया जल्दी, वरना ये बहुत अच्छी इनिंग्स खेलता है। ओडीडी के अंदर 27 मैच में 800 रन है, 38 की औसत, 18 विकेट है। लास्ट गेम में डेन फेक्सक्रॉफ्ट ने 3 ओवर डाला था और आदित्य अशोक बॉलिंग करने ही नहीं आया था। टॉम ब्रूस का 0 रन है एटू डे के अंदर, और ओडीडी के अंदर 72 मैच में 2027 रन है। लियो कार्टर 6 रन है हेड टू हेड में लास्ट गेम में किया, ओडीडी के अंदर 42 मैच में 900 रन है। जॉस क्लार्कसन एक विकेट निकाला लास्ट गेम में, प्लस बल्ले से 2 रन किए, ओडीडी के अंदर 63 मैच में 1600 रन है। कैम फ्लेचर का ओडीडी के अंदर 71 मैच के अंदर 1200 रन है, लास्ट गेम 31 किया था, सेकेंड हाइएस्ट गेटर था इस टीम के लिए ये। कुगलाइन 29 किया था लास्ट गेम में, एक विकेट निकाला, हमेशा खुश नकुर आपको फैंटेसी वैल्यू ला के देते हैं ये। रंडेल विकेटलेस गया, बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशल होगा, बॉलिंग सेकंड में आप ड्रॉप करके चल सकते हो। ओडीडी के अंदर 34 मैच में 65 विकेट हैं। आदित्य अशोक 15 मैच में 21 विकेट्स ओडीडी के अंदर, लास्ट गेम में 12 रन किया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बॉलिंग नहीं आई थी भाई की। माइकल रे बात भी करी थी इस बंदे के बारे में, उसका फॉर्म बहुत डिसेंट था। आप देखो उस मैच से पहले, पिछले गेम में 3 विकेट निकाला, बट उससे पहले 5 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, ये अलग क्रिकेटर है। 26 मैच में 41 विकेट्स निकाल चुका ओडीडी के अंदर, इज अ मास्टर क्लास। आते हैं यहाँ पे हिट द डेक बॉलर है, इनकी बॉल गिरने के बाद हरकत करती है। और भी प्लेयर्स, हेनरी कॉपर 41 में 1300 रन है। टफी का ओडीडी के अंदर 76 मैच में 135 विकेट्स है। मिच हे, विलियम रॉकरी,
टिम शेफर्ट स्टार्टिंग और कुगलैन रंडेल ने डाला था लास्ट गेम में, फिर बाद में सातवें आठवें के आवास माइकल रे आ गए थे। डेथर कुगलैन रंडेल माइकल रे साइन अप कर सकते हो विजन लेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री के अंदर गिव अवे देखने को मिलता है। रेफर कोड स्टैट सुरुजी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन मैट रेंसो डेन फिक्सक्रॉफ्ट अलग जाना है। गुरिंदर संधू है, फिलिपी रॉजर्स बेन मैकडेमोट और स्ट्रैक्टी का भी अच्छा कॉम्बिनेशन आपके साथ जा सकता है। टीम्स की बात करें फटाफट अब, बट उससे पहले जो अपना मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर स्टैट्स गुरुजी नाम से आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। जो स्टैट्स मैंने आपको सारे वीडियो में दिखाए हैं सब वहाँ पे जाके रिविजन के तौर पे सुबह 8 बजे के आसपास जाके पढ़ सकते हो। मतलब वो तो ऐसे लाइव हो गया रहेगा अभी तक। अगर आपको नोटिफिकेशन दिखाऊं तो इंग्लैंड वाले मैचेस हो गए, ये मैच भी लाइव हो जाएगा। बेन मैकडेमोट मस्ट पिक होगा मेरे लिए फिलहाल। फिलिपी कीपिंग कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ से देखो टर्नर को आप लेके जा सकते हो, लास्ट राउंड में मैं भी ले सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्लेब जोएल को बैक करूंगा और यहाँ से मैं आपको मस्ट फिक्स बता रहा हूँ, स्कॉट टुगलैंड मैट रेंसो मेरे कैप्टन होंगे। और यहाँ से सीन सोलिया सदरलैंड को भी रख लो आप, अच्छे क्रिकेटर्स हैं ये। डैन फिक्सक्रॉफ्ट का 4% है, बहुत अच्छा प्लेयर है। संधू इंपॉर्टेंट, स्ट्रैक्टी इंपॉर्टेंट, कुनेमन और टॉम रॉजर्स दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। कहाँ गया कुनेमन, कहाँ गया रॉजर्स, ये मेरी फिलहाल टीम बनेगी। इसमें मैं ये याद रखना, जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उनके मैं डेथ ओवर्स और नई गेंद वाले बॉलर्स को टीम में लेके जाऊंगा, क्योंकि इस वनी के ऊपर पेसर्स बॉलिंग फर्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। पेसर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड कौन कौन है? ब्रेड रेंडेल है और फिर आपको देखने को मिलता है माइकल रे। ये दो मेरी टीम में पक्का आ जाएंगे, किसी भी तरह मैं किसी को भी निकाल के ले लूँगा उनको। तो अभी फिलहाल मेरी टीम ऐसी बन रही है। ये देखिए आप, कैप्टन कर देता हूँ मैं यहाँ पे मैट रेंसो को, डिजर्विंग कैप्टन है सबसे बेस्ट। कहाँ गया मैट रेंसो? और वाइस कैप्टन मैं कर दूंगा यहाँ पे संधू या फिर कुगलाइन को या रॉजर्स को। रॉजर्स भी एक स्पेशल क्रिकेटर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है वो, और फिलहाल संधू बेस्ट लग रहा है मेरे को। इस तरह से मेरी टीम बनेगी, ये आप देख सकते हैं। ग्रैंड लीग में रोटेटेबल प्लेयर्स देखते हैं अभी जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। फिलिपी ट्राई किया जा सकता है, स्पेशली बैट फर्स्ट के अंदर जहाँ पे टॉप ऑर्डर नई गेंद से विकेट फेंक देता है बॉल बैटिंग फर्स्ट के अंदर, वहाँ पे फिलिपी एक स्पेशल पिक हो सकता है। सेम फॉर द कैम फ्लेटचर बैटिंग फर्स्ट में। टिम शेफर्ड खेलेगा तो आप ट्राई कर लेना चेस के ऊपर। टॉम ब्रूस यहाँ पे लेट्स सी क्या करेगा, 50-50 कॉल। टर्नर अच्छा प्लेयर है। निक कैली भी नई गेंद से शायद इस गेम में टक सकता है, बहुत अच्छा गेंदबाज है सामने। लियो कार्टर लेट्स सी। क्लेब जोएल इम्पोर्ट। ओलिवर डेविस पे नजर रखना, बहुत अच्छा हिटर ऑफ द बॉल है। ऑलराउंडर में देखें तो स्कॉट कुगलैन इंपॉर्टेंट, मैट रेंसो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सीन सूलिया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे विल सदरलैंड है और डिन फिक्सक्रॉफ्ट है। जॉश क्लार्कसन कुछ टीम्स में पिक किया जा सकता है, बैंक वर्सेस बाहर है स्क्वाड से। गुरिंदर संधू इंपॉर्टेंट, डफी खेलेगा तो रख लेना बॉलिंग फर्स्ट में। रंडेल बोथ द इनिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट माइकल रे बोथ द इनिंग्स इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादातर। कुनेमन स्टुअर्ट को मैंने लिया हुआ है फिलहाल, तो देखते रहिए स्टैट्स मुझे मिलते टेलीग्राम के ऊपर सुबह 8:30 बजे के आसपास। लव यू, जय हिंद।